कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के पोस्ट ने एक बहुत ही बवाल मचा रखा है। क्षेत्र में चारों तरफ चर्चा है और अक्सर उनके पोस्ट जो है खड्डा विधानसभा में चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ पहले वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो यहाँ पूर्व विधायक थे और उन्हीं के कार्यकलाप है उसी पर उन्होंने सवाल उठाया है। अभी जैसा कि दिवाली पर आपने देखा अयोध्या में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में जहां उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड बना रही है, वहीं हमारे यहां नारायणी सामाजिक कुंभ जो कि पनियावा में लगता है और हर साल वहां भी दिए जलाए जाते हैं, उनके संस्थापक हैं हमारे साथ मनोज पांडे जी, इन्होंने भी शेयर किया था और उस पोस्ट को विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने शेयर करते हुए उस पर कुछ ज्यादा ही हंगामा मचा रखा है। उन्होंने यह लिखा है कि यह धार्मिक जो आयोजन है वह दीमक है और आने वाली पीढ़ी के लिए यह धार्मिक अफीम है। तो इस पर मनोज पांडे जी का क्या राय है, ये क्या कहेंगे जबकि वो इन्हीं के पार्टी से हैं, तो इन्हीं से जानते हैं जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो पोस्ट आपने किया था उसको शेयर करके जो विधायक पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने जो लिखा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है और मेरा मानना है कि सनातन शाश्वत है और हमारी जो अगली पीढ़ी है वह सनातन को स्वीकार करके हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पद्धति है, जो हमारी जीवन जीने की पद्धति है, दीपोत्सव है, कार्यक्रम है, आयोजन है, इससे हमारी अगली पीढ़ी का जो भविष्य है उसका नींव मजबूत होगा और ऐसा बोलने वाले लोगों को मां नारायणी सद्बुद्धि प्रदान करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ पर और अपनी ही पार्टी के क्रियाकलापों को इस तरह से शब्द से नवाजना, ये कहाँ तक अच्छी बात है? ये देखिए, उनकी व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत विचार है और हम अगर किसी के काम में नहीं पड़ते हैं, हमारी यह संस्कृति है, हम सनातन में जन्म लिए हैं, हम हिंदुस्तान की संस्कृति को स्वीकारते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारी जो पद्धति है हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ऐसा यह पहली बार नहीं है, या हमारे कई सौ वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले भी इस तरह से जो है सनातन पर लोग प्रहार करते आए हैं, बोलते आए हैं, भटकाते आए हैं, लेकिन हम लोगों को अपने रास्ते पे चलना है, दूसरे की बातों पे नहीं। जैसे सनातन पे प्रहार करता है किसी दूसरे समुदाय का होता है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये समझ में आता है, लेकिन अपनी ही पार्टी का व्यक्ति इस तरह से सनातन पे उंगली उठाए तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी को भी वो पार्टी का हो या बिना पार्टी का भी हो, हम अगर कोई अपना क्रिश्चियन है वो मोमबत्ती जलाता है क्रिसमस पे तो हम उस पर आपत्ति नहीं करते हैं, तो हम भी अपने अगर किसी अवसर पर दीपोत्सव करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो उसको भी इस पर जो है आपत्ति नहीं करना चाहिए और इस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि धर्म अफीम है या दीमक की तरह से चाट रहा है, इस प्रकार के यह बहुत आपत्तिजनक चीज़ है। और राजनीति अपने जगह पर अलग विषय है और जो हमारी संस्कृति है, पूरी दुनिया जो है आज हमारी संस्कृति की तरफ देख रही है, चाहे कोरोना का काल हो, अभी मोदी जी ने जो योग दिवस घोषित किया, आज पूरी देश मिलेट्स जो हमारे देश की या भोज रहा है, मोटे अनाज उसको लेकर के आज पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हमारे देश में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति किसी भी दल से हो अगर इस पर सवाल उठाता है तो उसकी मानसिक संतुलन में कोई दिक्कत है, हम उसके मानसिक संतुलन की और सद्बुद्धि के लिए मां नारायणी से प्रार्थना करते हैं। आप समाज सेवी हैं और वो एक राजनेता हैं, लेकिन हमेशा वो, यदि आप उनके पोस्ट से जुड़े होंगे तो वो बार बार लिखते हैं कि बाहरी और स्थानीय, क्या मतलब है उनका इससे? देखिए, ये सब दल की एक व्यवस्था है, हम भी जो है राजनीतिक काम में रहते हैं, उसके साथ सामाजिक काम करते हैं और एक बार पार्टी जिसको अवसर देती है और जनता जिसको चुनती है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, उसको पूरे 5 साल का एक बार अवसर देकर के उसके काम को देखना चाहिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो उन्होंने पोस्ट किया है, शेयर किया है आपके पोस्ट को, तो इस तरह से क्षेत्र में, अपने विधानसभा खड्डा में या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में किस तरह का मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? देखिए, मैसेज उनका अपना यह व्यक्तिगत विचार था और समाज में लोग इतने समझदार हैं कि इन सारी चीज़ों को समझते हैं और मैं एक बार पुनः यही कहूँगा कि उनको इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए और कहीं कहीं जो है यह जीवन जो है सीखने के लिए, हो सकता है वो भी सीख रहे हों और यह अज्ञानता में ही यह बात कही जा सकती है और या दुर्भावना से भी यह बात कही जा सकती है, तो अगर दुर्भावना है तो भी, अगर अज्ञानता है तो भी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह अपने सही रास्ते पर चले, जो हमारा देश सनातन संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है उसके रास्ते पर चले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने योजनाओं और विकास को लेकर उस पर टिप्पणी किया है, लिखा है,
बहुत सी ऐसी योजनाएं लिखी, जैसे केला की मंडी हो, चिपुआ मछली हो, शिव मंदिर हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं जब वो थे तो उन्होंने लाया। खेलो खेलो खड्डा खेलो था, बहुत सा ऐसा था, धरातल पर कितना उतरा वो तो उस पर तो ये आम जनता बताएगी कि कितने काम जो है धरातल पर उतरे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, जो पूरे देश में काम हो रहा है उससे खड्डा विधानसभा भी पूरी तरह से संतृप्त हो चला है और सड़कें, पानी, बिजली और ये जो हमारे यहाँ नगर पंचायत बना है, विद्यालय खुल रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति सुधर रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था सुधर रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है। डॉक्टर कहाँ आ रहे हैं, उन्होंने बरवा रतनपुर के हॉस्पिटल का कहा है, वहाँ भी देख लीजिए एक भी डॉक्टर नहीं है। पटना में मेडिकल कॉलेज बन गया, हम पूरे पूर्वांचल में एक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज था, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है अपने लोगों के लिए कि पटना में मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया और उसमें जो है अब हम लोगों का इलाज होगा, एम्स खुल गया, ये बड़ी चीज़ है। अगर बरवा रतनपुर में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर बैठे नहीं है, आएंगे ही डॉक्टर, सरकार उसके लिए काम कर ही रही है, एक दिन में तो कोई चीज़ सुधर नहीं सकता है। बार बार वो अपने पोस्ट पे शनि मंदिर का जिक्र करते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है 2 साल से वहाँ का काम रुका हुआ है, तो आखिर जनता को इस तरह की योजनाओं का लालच दे के, इस तरह का दिखा के और क्यों ठप कर दिया जाता है, क्यों नहीं उसे धरातल जाता है, वो योजनाएं सक्सेस क्यों नहीं होती? देखिए, वो सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही वो पार्टी की योजना है, ना कोई हम लोगों की तरफ से कोई योजना है, वो उनका व्यक्तिगत काम है और उसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं। देखा जाए तो विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने जो ये कमेंट किया है, जो पोस्ट शेयर किया है, काफी चर्चा का विषय है और इस तरह के पोस्ट वो हमेशा करते रहते हैं। जिस शनि मंदिर की वो बात हमेशा करते हैं, वही शनि मंदिर जिस गांव रामपुर गुन्हा में बसा हुआ है, वहां आज भी चकबंदी नहीं लगी हुई है, चकबंदी के लिए बार बार डेट पड़ता है, लेकिन वहां पर बहुत से आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कि बिना नामित जमीन में लोग बसे हुए हैं, दो माला तिमाला बना हुआ है, लेकिन जब वहां चकबंदी होगी, लोगों के नाम रजिस्ट्री होगी, जमीन वहां जब वहां लिखी जाएगी लोगों के नाम, कितना क्षति होगा, क्या जटाशंकर त्रिपाठी का ध्यान उस पर नहीं गया, जहां अयोध्या में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया जा रहा है, वहां उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन जो संस्था अपने खर्चे से नारायणी में जाकर अपना जो भी आयोजन किया, दीपोत्सव किया, उस पर उनका ध्यान गया, आखिर ऐसा क्यों है? यदि आपको इतना ही दिखाई दे रहा है, देश का विकास दिखाई दे रहा है, तो जहां अयोध्या में दिए जलाए गए, वहीं जले हुए दियों के तेल जो गरीब लोग हैं उठा कर ले जा रहे हैं, आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या वहां आपका सवाल उठाना अच्छी बात नहीं, जहां करोड़ों सरकार खर्च कर रही है, वहां आपने सवाल नहीं उठाया, आपकी नजर वहां नहीं गई, और जहां स्वयं के पैसे से दीपोत्सव मनाया गया, वहां आपने सवाल खड़ा कर दिया। जो आप लोग यहाँ पे दीपोत्सव मनाते हैं, तो क्या सरकार भी बजट देता है? कोई बजट नहीं देती है सरकार, और ये स्वप्रेरणा का काम है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, योगी जी का आशीर्वाद है, प्रेरणा है, इसके हम लोग उसमें सब काम करते हैं। और हम लोग सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम लोग जब विद्या मंदिर में पढ़ते थे, विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हम लोगों ने काम किया, ये सारी चीज़ें हम लोग वहीं से सीखे हैं, और देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो सारी बातें स्पष्ट हैं। अब विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये वही जानेंगे। फिलहाल अपने ही धर्म को इस तरह से अफीम और आने वाली पीढ़ी के लिए दीमक बताना, ये कतई उचित नहीं है। राजनीति अपनी जगह है और धार्मिक आयोजन अपनी जगह है। बाकी यदि पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। इस तरह की खबरें के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।